श्री कृष्णा ज्ञान। कृष्णा कहते हैं, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। दो, जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। तीन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। चार, अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। पाँच, जीवन के बड़े निर्णय अनुमान के आधार पर नहीं अनुभव के आधार पर लें, क्योंकि अनुमान मात्र मन की कल्पना होती है पर अनुभव जीवन का सबक होता है। छः, जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल के देखें। सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। सात, श्री कृष्ण ज्ञान, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आठ, ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उन्हें जीतने का भरोसा होता है। नौ, उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। दस, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि वक्त से सीखा जाता है। 11. हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकले। 12. वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। 13. अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसे समझने की कोशिश करें, परखने की नहीं। 14. कृष्ण ज्ञान, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। 15. सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। 16. लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाने के बाद अच्छे इंसान से बदला लेते हैं। 17. मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। 18. बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। 19. जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। 20. इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। 21. अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। 22. कुछ मिला तो कृष्ण की कृपा मान लो, कुछ खोया तो कृष्ण की इच्छा मान लो। 23. धन मित्रता को खा जाता है, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, अभिमान आत्मज्ञान को खा जाता है, इसलिए सभी पर नियंत्रण आवश्यक है। 24. कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है ये कभी मत भूलो। 25. जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। 26. जीवन बहुत छोटा है इसलिए अपने मूर्खतापूर्ण अहंकार को तोड़ें, जल्दी से माफ़ कर दें, धीरे धीरे विश्वास करें, सच्चा प्यार करें, जोर से हंसें और कभी भी ऐसी चीज़ ना छोड़ें जो आपको खुशी दे। 27. कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। 28. जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है
कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। 29. भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही है परम सुख, यही है समस्त वेदों का सार। 30. जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो, तब मन की स्थिति बदल कर देखिए, सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। 31. परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें, यही सही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। 32. खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के उतना नज़दीक रहेंगे। 33. समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। 34. अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये अहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। 35. यदि आप जीवन में कुछ खो बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा को ना खोएं। 36. झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।